हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ द जर्नी ऑफ लर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था टेली प्राइम के बारे में, इंट्रोडक्शन था टेली प्राइम का कि टेली प्राइम और टेली एयरपिन 9 में डिफरेंस क्या है। आज हम सीखेंगे कि हमें टेली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ नीचे कुछ कंपनीज आ रही हैं जो इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि टेली एयरपी 9 में ओपन होता था। सेम वैसे ही हमें इसमें डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन दोस्तों इसमें एक डिफरेंस देखिए। जब हम टेली एयरपी 9 पे काम करते हैं, जब उसमें हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास में इधर एक ऑप्शन आता था पासवर्ड का, जिससे हम टेली पे पासवर्ड लगा के अपनी टेली को सेव करते थे। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें अभी हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। अब ये ऑप्शन कैसे इनेबल होगा? ये ऑप्शन यहाँ पे F12 करेंगे आप, या साइड में जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूज टेली वॉल्ट पासवर्ड, यूज़र एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स। तो यहाँ से आपको पहले इस ऑप्शन को इनेबल करना है, उसके बाद आपको वो ऑप्शन स्क्रीन पर शो करेंगे। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन येस कर रखा है, नेक्स्ट मैं येस कर देती हूँ सारे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेम वही पेज ओपन हो गया है जैसे कि टेली ईआरपी 9 में आपके पास ओपन हुआ था। वही आप यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स एंटर कर दीजिए, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी एड्रेस है, स्टेट सिलेक्ट करना है दोबारा से आपको, जो भी आपका स्टेट है। मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर रही हूँ। आगे कंट्री देखिए, अपने आप इसने पिक कर ली है। अपना पिन कोड यहाँ एंटर कर दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद अपना कंपनी का टेलीफोन नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंपनी का जो भी आपके डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद फैक्स, ईमेल आईडी जो भी आपकी है, ईमेल आईडी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की कोई है तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। सेम उसके आगे दौड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस। फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मैंने 1 अप्रैल 2021 सेलेक्ट किया हुआ है। आप जब से अपनी बुक स्टार्ट करें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। पासवर्ड जब आप इसमें इनेबल करेंगे, येस करेंगे, तो यहाँ आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि पासवर्ड कैसे डलता है। या आप हमारी जो टेली ईयरपी 9 की वीडियो बनी हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पासवर्ड से रिलेटेड, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। दोनों में सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद इसमें करेंसी सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, रुपीज़, जो कि हमारी INR करेंसी है, उसका सिंबल आ रहा है। अगर आपने कोई अमाउंट से पहले सफिक्स लगाना है, रुपीज़ का साइन लगाना है, या कुछ भी लगाना है वो, तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो रहने दीजिए। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो भी आपने सिंबल लगाया है और उसको और अमाउंट के बीच अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो रहने दीजिए। शो अमाउंट इन मिलियंस, हम यहाँ पर इंडियन सिस्टम में अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको नो रहने देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इनवर्ड्स 2। उसके बाद आपको एक्सेप्ट, येस और नो, मैं यहाँ पे येस कर देती हूँ। उसके बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, देखिए ऊपर लिखा आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें यहाँ पे उसे इनेबल करना है अगर हम अभी करना चाहते हैं, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, येस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, येस। जैसा कि आपको पता है सारी बिल वाइज ही एंट्री होती है, इसीलिए हम यहाँ पे येस कर रहे हैं। इन्वेंट्री, अगर आपको इसमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो आप येस कीजिए, अगर आपको नहीं करनी तो आप नो कीजिए। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको देखिए आज के टाइम में सिर्फ एक GST और TDS ही एप्लीकेबल है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो हम इसको येस करेंगे। येस करते ही सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको करके बताऊँगी कि हमें कैसे इसको इनेबल करना है, या टेली ईआरपी 9 की वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। TDS अगर आपको इनेबल करना है तो आप TDS इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको नो रहने दीजिए। देन एक्सेप्ट, येस और नो, येस, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है।
होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अगर आपका टेली से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप उसके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।